देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए दो बड़े गठबंधन तो बन गए हैं, लेकिन सत्ता किसके हाथ में होगी इसको लेकर अब चुनावी सर्वे हो रहे हैं और बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। वैसे तो न्यूज चैनल फिर से भाजपा और एनडीए की ही सरकार बनवा रहे हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे में तो बीजेपी को लोकसभा की 543 सीटों में से 318 सीटें दी जा रही है। कई दूसरे सर्वे भी भाजपा को खुश करने वाले आंकड़े दे रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट नजर आ रही है। बिहार से लेकर बंगाल और यूपी से लेकर तमिलनाडु और केरल, सब जगह बीजेपी बड़े संकट में है। दक्षिण भारत की लगभग 130 सीटों में भाजपा का पूरी तरीके से सफाया होने का अनुमान लगाया जा रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में 0, तमिलनाडु में बीजेपी 0, केरल में बीजेपी 0, तेलंगाना में भी बीजेपी का सफाया हो जाएगा। यानी इन राज्यों में बीजेपी को एक सीट भी नहीं मिल रही है। तेलंगाना में फिलहाल बीजेपी के पास 4 सीटें हैं, वो भी 2024 के चुनाव में उसे मिलती नहीं दिख रही है। बंगाल में भी इंडिया गठबंधन बीजेपी का बोरिया बिस्तर समेट देगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। बंगाल में भले बीजेपी के पास इस समय 18 सीटें हैं, लेकिन 2024 में खेल पलटने वाला है। बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 3-4 सीटें शायद मिल सकती हैं। बिहार में भी हालात बिल्कुल पलट गए हैं। नीतीश कुमार ने जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाई है, यहाँ के हालात बिल्कुल अलग हैं। बिहार की 40 सीटों में से बीजेपी 5-6 सीटों पर थोड़ा मजबूत दिख रही है, बाकी सब जगह नीतीश लालू की जोड़ी ने गठबंधन और जातीय समीकरण ऐसा बनाया है कि बीजेपी परेशान है, हलकान है। वैसे यूपी को लेकर अभी कुछ भी अनुमान नहीं लग पा रहा। योगी के भरोसे बीजेपी को कुछ फायदा होने की उम्मीद दिख रही है, मगर बीजेपी की अंदरूनी खींचतान यहाँ भी बड़ा नुकसान पहुँचा सकती है। इस साल होने वाले लगभग सभी सर्वे यूपी में बीजेपी के वोट कम होने का अनुमान लगा रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि टीवी चैनल से अलग जो आंकड़े आएंगे वो सबको चौंका देंगे। वैसे एक अनुमान ये भी है कि कुल 543 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन को 300 या 310 सीटें तक आ सकती है। एनडीए 170 के नीचे ही सिमट सकती है और अन्य को 63 सीटें आ सकती है। वैसे ये सारे अनुमान है, आने वाले दिनों में और बहुत सारे सर्वे होंगे तो अंदाजा लगेगा कि किस तरह के हालात 2024 के लोकसभा चुनाव में बनते नजर आ रहे हैं।